नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीजीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। मुजफ्फरपुर में बैंक लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस पुलिस मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें दो अपराधियों के घायल होने की खबर है। दोनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ये घटना मुजफ्फरपुर जिले के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के बनघारा के पास हुई है। वहां इंडियन बैंक की ब्रांच है। पुलिस के मुताबिक इंडियन बैंक में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी जमा हुए थे। इसी दौरान सिवाई पट्टी थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। अपराधियों ने पुलिस को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस की फायरिंग में दो अपराधियों को गोली लगी। पुलिस के मुताबिक सुंदरम और दीपू नाम के अपराधी की गोली लगी है। दोनों के पैर में गोली लगी। उनके दूसरे साथी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने गोली लगने से घायल दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल अपराधियों को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार और टाउन एसपी अवधेश दीक्षित एसकेएमसीएच अस्पताल पहुंचे हैं। सर, कार्रवाई की गई है, क्या है? सिवाई पट्टी थाना अंतर्गत जो है सूचना प्राप्त हुई थी, हम लोगों को जो अपराध बैंक के आसपास घूम रहे हैं, एक बैंक लूटने का प्रयास, उसमें जब पुलिस की खोज में वहाँ पहुँची तो पुलिस को देखते ही लोगों ने पुलिस के ऊपर गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। तीन गोली पुलिस का जो वाहन है सिवाई पट्टी का उसके ऊपर लगी। उस दौरान थाना अध्यक्ष और उनकी टीम ने इन लोगों को चेतावनी दी, घेराबंदी की, इन लोगों को सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन ये नहीं माने, लगातार फायरिंग करते रहे। फिर पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात फायरिंग की, कंट्रोल फायरिंग की, कमर के नीचे चले गए, जिसमें सुंदरम जो अपराध कर्मी हैं जिनको दो गोलियाँ लगी और एक अपराध कर्मी पीछे है जिनको एक गोली लगी, और दोनों अभी यहाँ इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज आए। अपराध कर्मी के थे सुंदरम के ऊपर लगभग 12 केस, 392 केस पार्टी जा रहा है, और विशेषकर ये बैंक को अपना टारगेट करते थे। उनके द्वारा न केवल बिहार बल्कि दूसरे अन्य राज्यों में उड़ीसा वगैरह में भी बैंक की घटनाएं की गई, और आज भी इनका प्रयोजन एक बैंक को टारगेट करते हैं। कहाँ के रहने वाले सर अपराध कर्मी? ये सिटी का रहने वाला है, काटी थाना एक यहाँ पर पड़ता है, काटी थाना के ऊपर से दूसरा अपराध कर्मी के बारे में अपराधी की जांच पता कर रहे हैं। लगभग 3 से 4 केस सर। हथियार उत्यार भी बड़ा मजबूत है इनके पास, से जो हथियार इनके द्वारा फाइल किया है। कितने मामले सर दर्ज हैं इनके ऊपर? लगभग 12 केस अभी तक हम लोग को प्राप्त हैं, जो हम लोगों के अपने जिले और राज्य के लिए, इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी इनके द्वारा घटनाएं की गई वगैरह, वो हम लोग वहाँ से प्राप्त। क्या फिर से सर ये लोग किसी बैंक वगैरह या फिर टारगेट करने के खिलाफ टारगेट करने के लिए आ जाए? सही समय पर हम लोग आउटपुट मिला तो हम लोगों ने ना केवल घटना को रोका बल्कि